हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो प्रायोरिटी लिस्ट आपको दी थी वो सभी बच्चों ने, सभी कैंडिडेट्स ने देख ली है, मुझे कमेंट के अंदर रिप्लाई भी किया है और कई लोगों ने कहा कि सर बहुत सही तरीके से आपने बताया है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आप जैसा अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो थोड़ा बहुत वो कर दीजिएगा, अदरवाइज उसको कॉपी पेस्ट कर देना। बट वो एक बहुत बड़ा तबका कैंडिडेट का ये कह रहा है कि सर रैंकर्स के लिए तो बहुत कुछ है जिनकी ऑल इंडिया रैंकिंग इतनी अच्छी है, जिनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको मिल रहा है, उनके लिए तो आप सही बना रहे हो वीडियो, बट हमारे लिए भी तो कुछ बना के दीजिए, आप लोग जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कुछ बता दीजिएगा। तो उन सभी कैंडिडेट्स को मैं अनसेटिस्फाइड नहीं रहने दूंगा और उनके जो सर्टिफिकेशन है उनको मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे और उनको पूरा सेटिस्फाई करता हूँ। तो देखिए अब जो बातें रही है उसमें ये रहा है कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग्स हैं उसके अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है, जो एमसीसी जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराएगा ना, तो वहां पर भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनकी भी अपना एक फीस स्ट्रक्चर होता है, वहां पर आप जा सकते हो अभी, क्योंकि स्टेट के रजिस्ट्रेशन अभी चालू नहीं हुए हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि जिस भी स्टेट के अंदर आपको जाना है उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन जब ओपन होगा वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को आप उन स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन ओपन होने के साथ में अपने आप को वहां पर रजिस्टर करवा सकते हो। जैसे राजस्थान का स्टूडेंट है प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है कर्नाटका का, क्योंकि उसने देख चुका है कि उस कॉलेज की फीस इतनी है मुझे वहां जाना है, तो फिर आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि वहां उस स्टेट के अंदर आपको ओपन कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया से उस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है ना, या अवेलेबल है या नहीं है, ये वहां स्टेट वालों को भी बुलाते हैं या ऑल इंडिया वालों को भी इनवाइट करते हैं। तो ये इसके बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर आपको सीट जो है किस कॉलेज में है, ओपन कैटेगरी की सीट कितनी है वो बता दूंगा। बस इस वीडियो के अंदर आप देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर 20 लाख या उससे कम फीस के, एनुअल फीस के कॉलेजेस और उनकी लास्ट ईयर की मॉपअप राउंड की कट ऑफ देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए अपने आप को कि आप किस कॉलेज के अंदर फिट मानते हैं। करेक्ट, तो लिस्ट आपके सामने है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। यहां पर मैंने यहां पर टोटल सीट्स उसकी दी है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा की सीट्स यहां पर मैंने दे दी है, उनकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की है। ये कॉलेजेस तो हैं वो डीम्ड कॉलेजेस हैं, मैं पहले कह रहा हूं जिनका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है उनकी बात चल रही है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, उनका स्टेट से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, ये बात आपके जहन में उतर जानी चाहिए जिनकी डेट्स अभी तक नहीं आई है। ठीक है, अभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज का कामकाज चल रहा है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की ये लिस्ट है, ये उनकी सीट्स हैं, ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा जहां तुम जा सकते हो वो सीट्स हैं, और इनकी जो कुछ कॉलेजेस की जो मुझे मिली है वो मैंने मैक्सिमम की यहां पर कट ऑफ लिस्ट लिखी है लास्ट ईयर की मॉपअप राउंड की 2019 की, तो उसके आसपास आप देख लीजिए अपने आप को प्लेस कर लेना और अपने को कौन सा कॉलेज मिल जाएगा और वहां की फीस, एनुअल फी आपके सामने पड़ी हुई है और आप इसे देख करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस कॉलेज में जाना है। नेक्स्ट, ये भी आप फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आपने डीम्ड कॉलेजेस की लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया है और वहां की फीस आप देख लेना और जो सुटेबल हो उसको प्रायोरिटी के अंदर, जो कल प्रायोरिटी थी उससे प्रायोरिटी के अंदर नीचे की तरफ में भर सकते हो। ठीक है, 21th नंबर ऑफ प्रायोरिटी, लास्ट का वीडियो देखना कल का, उसमें 20 के बाद में 21 पे इन कॉलेजेस को जो भी आपको अच्छा लगता है उस प्रायोरिटी के अंदर आप भर सकते हैं। करेक्ट, अब बात है कि सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में कुछ बताइए जहां पर कुछ कम फीस लगती हो, पैसा कम लगता हो और कट ऑफ भी उसकी ठीक ठाक जाती हो, तो ऐसे चूज करने के लिए हमें कॉलेजेस के नाम बता दीजिए कुछ जो हम वहां पर प्रायोरिटी के अंदर भर दें जब रजिस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो जिस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन जब ओपन होगा तब वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए और जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसके बारे में जानकारी रख लीजिए कि उसकी फीस कितनी है और उसमें ओपन यानी कि बाहर वाले कैंडिडेट यानी कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को अलाउ है या नहीं है, ये भी पता करना है, जो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस में ओपन के लिए यानी कि बाहर से आने वाले अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए कितनी सीट्स हैं। वहां के स्टेट वालों को तो खैर रहेगी रहेगी, बाहर से कोई जा सकता है क्या वहां पे, ओके इस तरीके से। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है सर कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनके मेडिकल कॉलेजेस के नंबर भी अच्छे खासे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और फीस भी कम है,
तो ऐसे स्टेट्स पता लग जाए अभी तो तसल्ली हो जाएगी। कॉलेजेस तो आप नेक्स्ट वीडियो में बताओगे ही, तो मैं अभी आपको क्या बता देता हूँ, वो स्टेट्स कौन से हैं जिनके अंदर एक नॉर्मल फीस के अंदर मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो उनके लिए रेडी रखिए कि उनकी स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा, उसका वेट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो देखिए मैं लिस्ट आपके सामने पेश करता हूँ स्टेट्स की। ये देखिए, ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट से। आप देखो केरला के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल मेडिकल कॉलेज, यानी कि यहां पर मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 520 के आसपास मार्क्स होंगे तो केरला में मिल जाएगा। और आप देखो केरला में मेडिकल कॉलेज की एनुअल फी 5.5 या 7.5 या 7.5 के लाख के आसपास यहाँ पे फीस होती है कॉलेजेस की नॉर्मली। केरला के कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट मैं अगले वाले वीडियो में दे दूंगा आपको, और उसकी कट ऑफ क्या रहेगी वो दे दूंगा। कर्नाटका में जैसे वहां पर भी 520 प्लस मार्क्स की रिक्वायरमेंट है कर्नाटका में, अगर कॉलेज वहां का चाहिए तो। और वो कॉलेज कौन से हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर नॉर्मल फीस 8 लाख के आसपास है पर एनम एक साल की फीस। और आप छत्तीसगढ़ के अंदर 500 प्लस चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है। कर्नाटका के अंदर नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा है प्राइवेट के, ठीक है, यहाँ कम है बट फीस भी कम है और 500 प्लस का कट ऑफ जाता है, तो छत्तीसगढ़ भी आप जा सकते हैं। पंजाब के अंदर भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 520 प्लस है और 7 लाख के आसपास फीस है। महाराष्ट्र में भी नंबर ऑफ कॉलेजेस है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस है प्राइवेट, यहाँ पे 485 प्लस के आसपास कट ऑफ जाएगा। और वहां पर भी बता दूंगा आपको कि ये देखिए 7 लाख के आसपास की फीस है वहां पर। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेट्स आपको चूज करने हैं, आपको दिमाग लगाना है। तो आप अपने अच्छा स्कोर है, मान लो 500 के आसपास स्कोर है किसी कैंडिडेट का और कम फीस में कोई मेडिकल कॉलेज चाहता है, तो आप इन स्टेट्स के ऊपर सर्च करिएगा, इन स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज है उनको सर्च करिएगा। खैर आप सर्च करिए, लेकिन मैं भी अगले वीडियो के अंदर आपको कॉलेजेस की लिस्ट दे दूंगा, तो अगले वीडियो का वेट करिए। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, और जो जिनको क्वेरीज थी जो सेटिस्फाइड नहीं थे वो अगर सेटिस्फाई भी है तो वो भी मेंशन करिए। थैंक यू।